करनाल में आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिला करनाल की ओर से करनाल के गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शपथ भी ली गई, जिसमें किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा किसान आंदोलन को षड्यंत्र के तहत समाप्त किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी 1948 में आजाद देश को देश की जनता को सौंपकर शहीद हो गए थे। आज आजाद देश की हवा में सांस ले रहे हैं। इस अवसर पर महात्मा गांधी की याद में मौन भी रखा गया। इस मौके पर असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सभी किसान आंदोलन में समर्थन देने एवं बीजेपी के षड्यंत्र को असफल करने की भी शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग किसान आंदोलन को अपने षड्यंत्र के तहत खत्म करना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन देती है और हर कदम पर किसानों का साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 काले कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वापस लेकर किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। वहीं जिला कांग्रेस के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला करनाल कांग्रेस कमेटी किसान आंदोलन को समर्थन देती है और इस आंदोलन में किसानों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के कांग्रेसी नेता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। सवाल करोगे जी सर, क्या कहेंगे? हाँ जी, आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। 1948 में आज के दिन ये हमारे को देश आज़ाद होने के बाद आज़ाद देश हमारे को सौंप कर चले गए थे। आज उनकी शहादत पे हम नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही हमने संकल्प लिया है भी आज देश के अंदर जो आरएसएस और बीजेपी ने जो परिस्थितियाँ पैदा की हैं वो घातक हैं। हम कांग्रेस पार्टी, हम देश के संत प्रिय लोग आज के डेट में किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के मुद्दे पर खड़े हैं, क्योंकि किसान अगर 3 अध्यादेश लागू होते हैं तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। जो 70 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद कराया था, वो गुलामी की तरफ ना पड़े, हमने यही संकल्प आज लिया है सब कांग्रेसजनों ने। और इस मौके पर हम सबसे अपील करते हैं कि कृपया ऐसे माहौल पर भड़काए में ना आए और शांति बनाए रखें। 26 जनवरी पर जो कुछ हुआ था, देखिए जो वो हुआ हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं, उसे बचा जा सकता था, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। और हम आज जो बातें निकल के आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि सारा कांड के पीछे भाजपा और आरएसएस का हाथ था, उसे बचा जा सकता था, देश को टूटने से बचाया जा सकता था। आज उद्यम मुद्दे को लेकर एक भड़काऊ बयान देने जा रहे हैं भाजपा वाले, जगह जगह पर वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम 26 जनवरी को जो कांड हुआ उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और हम सब कांग्रेस जन मिलकर यहाँ एकत्रित होकर राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत आज जो हम आज़ादी की हवा में सांस लेते हैं, ये महात्मा गांधी की देन भारतवर्ष को है। हमने मौन व्रत रखा है और इस मौन के बाद देश में जो परिस्थिति बनी है, महात्मा गांधी ने संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी देश में लोकतंत्र कायम करने के, लेकिन देखा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है वो देश में लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद रही है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के खिलाफ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कर
शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर हमले किए हैं, पत्थर बरसाए हैं, लाठियां बरसाई हैं, उनको अपशब्द कहे हैं, हम कांग्रेस जन उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी को ये चेता देते हैं कि आप किसानों से अपना ये अभद्र व्यवहार और ये जातिगत हिंसा फैलाने का षड्यंत्र जो आपने रचा है, हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक रहेगा। किसान का आंदोलन शांतिपूर्ण है और इस शांतिपूर्ण आंदोलन में कांग्रेस उनके साथ है और उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में हम कांग्रेस को, हम किसानों को ये कहना चाहते हैं कि आप कदम बढ़ाते रहिए, हम कांग्रेस जन आपके साथ हैं, लड़ाई में आपके साथ हैं। जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने लाल किले पर तिरंगा वाली जगह पर जो झंडा फहराकर दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने यह षड्यंत्र रचा किसानों को बदनाम करने का, हमें षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है और अब ये बात साफ सामने आ गई है कि लाल किले पर झंडे फहराने वाले लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग थे जिन्होंने इस देश की आंतरिक भावनाओं को नष्ट करने का काम किया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।